संजय सुराना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कांट सुप्रीम कोर्ट टेक ए कॉल ऑन द बिल, नहीं ले रही सुप्रीम कोर्ट। वही तो कह रहा हूं कि विनोद दुआ के लिए सुप्रीम कोर्ट रविवार को बैठ गए, इसलिए मैं आतंकवादियों का उदाहरण नहीं दिया, पत्रकारिता वर्सेस पत्रकार का उदाहरण दिया है। विनोद दुआ के लिए रविवार को बैठ गई सुप्रीम कोर्ट, रविवार को, और ये जमानत देने के लिए नहीं। विनोद दुआ कह रहे हैं कि मुझ पर जो ये केस दर्ज है इसको निरस्त करो जी, उसके लिए कोर्ट रविवार को बैठ गई सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ 6 दिन से एक पत्रकार यहां से वहां धक्का मारा जा जा रहा है, किसी के कान पे रो, और टेक्निकली कहेंगे उसको कि ये चूंकि हाई कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट के तर्क आएंगे, अगर अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता आपको बोल देंगे, सबके आजकल नए नए प्रवक्ता बने हुए हैं, कि केस को निरस्त हाई कोर्ट ने तो 17 न्यायाधीश में जाने को कहा है, 17 अदालत रद्द तो किया नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले लो। सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक अधिकार है, कानून और संविधान का वो संरक्षक है, वो ले सकता है, वो ले सकता है। हाई कोर्ट तो लोगों के पोस्टर योगी जी ने टांग दिए थे, उसके लिए रविवार को बैठ गई थी। लेकिन आपको इतना टेक्नोलॉजी में फंसाया जाएगा कि आप तो उलझ जाओगे, और यही अंग्रेजों की जीत थी, क्योंकि उन्होंने कानून को इतना टेक्निकल किया कि भारतीय असहाय रह गए। आज भी काले अंग्रेजों के कारण भारतीय असहाय महसूस। सदानंदन शिवानंदन जी, बहुत धन्यवाद। स्वामी लॉयर नहीं है सदानंदन जी, स्वामी लॉयर नहीं है, उनकी वाइफ लॉयर है, और दूसरा की टीम हायर किया है हरीश साल्वे, उसको अर्णब गोस्वामी ने, इसलिए दूसरा लॉयर उसमें घुस नहीं सकता। वो आप जो कह रहे हैं वो लेफ्ट का तरीका है, वो राइट का तरीका नहीं। राइट के लिए कोई कलेक्टिव करके एनजीओ नहीं है जहां बाहर फूड और फलाना देखना से पैसा आते हैं। तो वो हरीश साल्वे बहुत बड़े लॉयर, वो ब्रिटेन में बैठे हैं, वो फिजिकली यहाँ है ही नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नरेंद्र कुमार कह रहे हैं मुंबई पुलिस जिंदाबाद, भगवान करे 93 जैसी स्थिति आपके किसी की ना आए, किसी का ना आए आपके साथ कभी ना हो, मुंबई पुलिस के नाक के नीचे ही हुए थे। और 26/11 भी आपके जिंदगी में कभी ना आए, वो मुंबई पुलिस के नाक के नीचे ही हुए थे। और भगवान ना करे कोई सुशांत या कोई दिशा आपके घर से कभी कभी कोई लटके, क्योंकि मुंबई पुलिस के उस कारस्तानी का ही वो नतीजा जाए, आप जिंदाबाद कहें, भगवान आपको जिंदाबाद रखे। महेश जी बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, महेश जी, अन्याय की पराकाष्ठा में जनता की जागरूकता ही उस पूरे पराकाष्ठा को समाप्त कर सकती है, जो जिस कोर्ट ने अवैध रूप से गिरफ्तारी कर दिया है, उस कोर्ट ने जमानत में इतने समय ले लिए, ताज्जुब होता है। राहुल यादव जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। मोदी जी के मेंटर पावर, ऐसा मोदी ने कहा, और शरद पवार के मेंटर हैं राहुल, तो समझ देश का कौन सा सही बात है। वो उन्होंने खुद ही कहा, पांव सार्वजनिक रूप से छुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने शरद पवार का, कि मेरे राजनीतिक गुरु हैं, इसीलिए पद्म विभूषण भी दिया है। तो ये उन्होंने खुद कहा, राहुल जी कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, भाजपा वालों मानहानि मत करना, ये राहुल यादव जी कह रहे हैं वो जो खुद मोदी जी ने कहा है। सौरभ ओझा जी, आपका बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। सर, योर एवरी वर्ड टुडे इज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस, दिस मोमेंट इज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर कंट्री, इट एक्सपोज द नपुंसकता ऑफ आवर लीडरशिप विच द पीपुल, नेशनलिस्ट शुड गेट यूनाइट। बहुत अच्छी बात है, और अभी आपको बहुत सारे लोग तर्क लेके आ जाएंगे। मैं कह रहा हूं, अघोषित कई प्रवक्ता बाजार में घूम रहे हैं, मक्खियां हमेशा भिनभिनाती रहती है आपको तो गंदगी पे भी, एंड इन बंद मक्खियों पे आपको ध्यान नहीं देना, अपनी आत्मा की आवाज सुननी। टेक्नोलॉजी की बात जब लेकर आएंगे तो सिर्फ वो कीजिएगा कि संविधान का संरक्षण को कौन है इस देश में, दो ही लोग, एक सुप्रीम कोर्ट, दूसरा देश के राष्ट्रपति। देश के राष्ट्रपति किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सरकार, इतना ही पूछ लीजिए, राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों के। इसलिए राज्य सरकार में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि है, और यहां राष्ट्रपति स्वयं,
जिस राष्ट्रपति के पास किसी को क्षमा दान देने का अधिकार है वो बिल का अधिकार नहीं हो जाएगा क्या? और ये मौलिक अधिकार की बात है, उनपे पूछना पड़ेगा, उनको सिर्फ ये कहना पड़ेगा कि संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जिसमें सत्र न्यायाधीश कह चुके हैं कि ये मामला अवैध है, मैं इसको रेफर कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट इसको प्रायोरिटी पर सुने, एक बार कह के तो देखें, देखो क्या होता है। लेकिन टेक्निकली कैसे कहेंगे? टेक्निकली संविधान तो ऐसे ही लिख दिया। दानेश्वर मोहंती जी बहुत बहुत धन्यवाद, मोहंता जी आपका बहुत धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट रात में बैठ जाती है भाई, राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान के बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है याकूब मेनन को, तो सुप्रीम कोर्ट के पास असीम शक्ति है, असीम शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान के बावजूद सुप्रीम कोर्ट रात में बैठती है। एक पत्रकार के लिए, विनोद दुआ जैसो के लिए सुप्रीम कोर्ट रविवार को बैठ जाती है जी, और कार्तिक चिदंबरम को जीवन का मौलिक अधिकार की व्याख्या करते हुए रात के 11 बजे बैठकर अदालतें जमानत देती। एक किसी के लिए कोई कानून, किसी के लिए कोई कानून? ठीक, ये तो एक मिलॉर्ड ने कहा कि हम तो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं। बाप नरसिम्हा राव जी आपका बहुत धन्यवाद। व्हाई कांट केस बी मेड अगेंस्ट जजेस दैट दे लिसन होल आर्गुमेंट एंड से लेट सेशन कोर्ट डिसाइडेड? कौन करेगा ये सब? एक कानून का चक्रव्यूह इतना बड़ा है, इन्होंने आम जनता को तो कुछ, आपको पता है उस दिन अर्णब के साथ जो हुआ वो मेरे साथ हो चुका है। अब मैं अपना आर्गुमेंट रख रहा हूं, अदालत में मुझ पर केस हुआ, 1.5 साल चला, तो मेरा वकील प्रेजेंट नहीं कर पा रहा एक चीज, तो मैंने, मुझे कहा गया शट अप, अपने क्लाइंट से कहें अपने मुंह पे ताला रखे, मतलब हम अपने अधिकार बोल नहीं सकते, हम अपने वकील के माई बाप माई बाप माई बाप। अर्णव गोस्वामी ने कोर्ट में कहा तो कहा आपको बाहर निकाल के रख फेंक दिया जाए। ये क्या तंत्र बनाया है? वो अंग्रेजी किचकिच में क्या वकील हमारा पक्ष रख रहा है कि किसका पक्ष रख रहा है? मैं भुगत भुक्तभोगी हूं 1.5 साल, और मैं तंग हो गया उस अदालती कार्रवाई से, मुझे कह रहा जेल डाल दूंगा, मैं अपने पक्ष रख रहा हूं तो वकील ही रखेगा आपका पक्ष? यानी जिसको टाहोगे उसको बोलने तक का अधिकार नहीं है, ये कैसी न्यायपालिका है? वो कौन सा न्याय तंत्र है? कौन सा न्याय तंत्र? वही अर्णब गोस्वामी के साथ कहा कि चुप रहो, उसने कहा कि मुझे चोट लगा, शट अप, बार बार बैठा दूंगा, ये न्याय तंत्र है? ये अंग्रेज तंत्र है, मिलॉर्ड कहने वाले ये लॉर्ड बने हुए हैं भारत का, कि न्याय व्यवस्था उस पंच परमेश्वर में गांव की पंचायत में थी, जिसको आज हम लोगों ने बदनाम कर दिया, हम ही उन गुंडों के कारण अपने ही पंचायतों को बदनाम कर दिया, जहां हमारी बात हम कहते थे, कोई काला कोट खद्दरदारी नहीं आके सुना था। पूरी भारत के पूरे न्याय तंत्र को अंग्रेजी तंत्र बनाकर रख दिया है, जनता है ही नहीं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया को मिटा क्यों नहीं देते ब्लेड से रगड़ रगड़ के? वी द कह दो, वी द विधायिका, वी द न्यायपालिका, वी द ब्यूरोक्रेसी, वी द करप्ट पीपुल्स लिख दो संविधान, हटाओ वी द पीपुल, सिर्फ इनसे कहो कि इनको उंगली, हम सब के उंगली काट लो, 5 साल बाद उससे बाहर निकालो, रसनोई में भिगो और ठप्पा मार लो अपना, जरूरत क्या है हमारी? कमाल कर दिया है, और जनता के नाम से बस जो आता है ठग जाता है, हम भी हो करना शुरू कर देते हैं, हम भी पागल ही है ना, हम भी पागल हैं। रेगिस्तान में अगर कोई एक बूंद पानी देता है तो लगता है यही हमारा रक्षक है, और बाद में पता चलता है एक बूंद पानी देकर वो हमें गुलाम बना कर ले गया है। इसलिए जाने दीजिए, करिएगा क्या, लेकिन आप सब जो मेरे जितने साथी हैं, वादा कीजिए आप कि महाराष्ट्र में कल को जो भविष्य की कोई एक सरकार बनने जा रही है, उसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे, कुतर्क शास्त्र का सहारा नहीं लेंगे, आप गलत को गलत कहना सीखिए, सही को सही कहिए और गलत को गलत कहना सीखिए। आज
मैं पिछले 6 महीने 8 महीने से वोरा कमेटी उठा रहा हूँ, 1 साल से उठा रहा हूँ। आज कुछ लोग और उठाने लगे, मधु किशोर उठा रहे हैं, अश्विनी उपाध्याय उठा रहे हैं, सब कुछ तो उठाने लगे। मैं पागलों की तरह भड़बड़ भड़बड़ बोलता रहता था, आवाज उठाई। अरे हम कहोगे कि क्या होगा, अरे हम कम से कम अपने बोझ पे, सिर पे बोझ लेके तो नहीं मरेंगे कि हम चुप रह के, हाँ हमने इस पाप में भागी बने हैं, हमने तो अपने कर्तव्य पूरे किए हैं। प्रिंस भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत। इसलिए कम से कम सच बोलिए, और किसी ऐसी सरकार, ये मत सोचिए आप किसी पार्टी के, कोई आपका नहीं है। कुशाग्र श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, सुना है परमवीर सिंह किसी बीजेपी नेता का समधी है। मैं कहूंगा हमारे यहाँ वो खबर दिखा दे, इंडिया स्पीक्स डेली पे जरा मारो सर्च, देखो हम तो पहले ही से सब कुछ लिखते रहे हैं, आप पढ़ो तो सही। और पूरा केस फैब्रिकेटेड है, अर्नब पे कोई मामला ही नहीं बनता है। आप हमारे इंडिया स्पीक्स डेली पे देखो, उसको कहूंगा मैं परमवीर सर्च करे, उसमें आएगा आएगा आ जाएगा न्यूज कि किसका समधी है, अभी आपको दिख जाएगा वो खबर। परमवीर सर्च करने के लिए कह रहा हूँ, बात सही है। और फडणवीस ने उसको आगे बढ़ाया, ये कोई छुपी हुई बात है क्या? फडणवीस नहीं जानते थे कि शादी प्रज्ञा को इसने टॉर्चर किया था? फडणवीस क्यों नहीं, विपक्ष के नेता हैं, 105 विधायक हैं, फडणवीस क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे हैं? क्या उनके समझौते चल रहे हैं संजय राउत और शिवसेना के साथ? एक पत्रकार की बलि लेकर सत्ता बनाओगे, सरकारें बनाओगे, और चाहोगे लोग तुरही बजाएंगे तुम्हारे लिए, और लोग कहेंगे बाबा देखा तुमने, आप तो यूं ही कर, संदीप जी ये मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का, देखा आपने कैसे सरकार बना लिया। अरे चुल्लू भर पानी में डूब जाना आत्मा अगर हो तो, ऐसी सरकारों के लिए अगर बोलोगे तो। पत्रकार को मारा जाना, वो पत्रकार जो राष्ट्र की बात करता है। सदानंद जी, ऐप मेरा 2-3 दिन में लॉन्च हो जाएगा, बहुत जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, हो चुका है, मेरा दिमाग तो अभी ऐसे ही है। हाँ निधि जी, बहुत खेल सारा, बहुत सारा खेल है। महेश गोड़े जी, बहुत धन्यवाद। फडणवीस ने महाराष्ट्र बीजेपी का सत्यानाश किया है, ये मुख्यमंत्री बनने वाले थे, सत्यानाश ही सब। आप क्या सोचते हो इन सब, ये कहाँ से देशभक्ति कहाँ से आ जाएगी, कहाँ से आ जाएगी देशभक्ति? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसी चीजें बोलो आप जिससे अपना बचाव कर सको, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आप लोगों को मैं वो खबर दिखा देता हूँ, 1 मिनट, उसके बाद ये खबर आपको दिखा देता हूँ मैं कि कौन किसका समधी है, कौन किसका क्या है, उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे कि क्या मैं कह रहा हूँ। क्योंकि मैंने जीवन में ना पत्रकारिता से समझौते नहीं किए हैं, मुझे पसंद नहीं है। अभी अभी आपको दिखाता है, शादी के भी फोटो दिखा रहा हूँ परमवीर के, शादी ये देखिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर का भाजपा कनेक्शन, देखिए ध्यान से खबर, बेटे की शादी भाजपा नेता की बेटी से की, ये है कनेक्शन, ये फोटोग्राफ से देखिए, ये इंडिया स्पीक्स डेली .com, इसलिए कहता हूं पढ़िए वो कुछ खबर, छोटी टीम है पर कुछ खबर ऐसी देता हूं कि आप हिलेंगे, पढ़िए, नीचे आओ इसमें दिखा हुआ, और नीचे आओ ये देखिए आप, ये सारे सेरेमनी के फोटो हैं, अब देखते जाइए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरोप है, सबूत है। सुजीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कल आपको एक कोर्ट का पूरा, एक आप लोगों को मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं आप लोगों को, कोर्ट में आप लोगों को कि क्या क्या कोर्ट ने किया है। आज तो मैंने आपको पत्रकारों के उदाहरण से बताया, इस रवीश कुमार के भाई को जमानत देने के लिए फर्जी सूचना, कपिल सिब्बल के फर्जी सूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके भाई की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था, और उसका भाई आज कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहा है, वो कांग्रेस अर्णब गोस्वामी को गोदी भी दिया कहता है और खुद कांग्रेस की गोदी में बैठकर चुनाव लड़ता है, कोई सवाल नहीं पूछता। सुप्रीम कोर्ट में गलत सूचना गुमराह कर सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच नहीं करवाया, और रवीश कुमार के भाई को जिस पर दुष्कर्म का आरोप था गिरफ्तारी रोक दी गई, और आप टेक्नोलॉजी बता रहे हो
कांग्रेस ने उस रवीश के भाई के लिए 6 बड़े लॉयर उतार दिए, कपिल सिब्बल, तनकर, बड़े लॉयर, और आप तकनीकी ज्ञान सिखाने आ गए। ये जो कोई पूछ रहा है मुझे, नरेंद्र कुमार, संदीप जी, हाथरस कांड में पत्रकारों को रोका गया, अरे नरेंद्र, गिरेबान में झांको, पत्रकार दंगे भड़काने के आरोपी थे उसमें, पत्रकार नहीं थे, टेप रिकॉर्डर पकड़े गए, दंगे भर, और पत्रकारिता में मैं राष्ट्रवादी पत्रकारों के साथ हूं, लंपट गुंडों मवालियों के साथ नहीं हूं, याद रखना, जो मवाली दंगे भड़काते हैं। तुम्हारी फेवरेट जो है ना आज तक वाली, उस पे FIR दर्ज हुआ है, दंगे भड़काने के टेप बाहर आए हैं, तुम जैसों के कारण ही, और तुम लोग हो जिसके जिसके कारण ये पूरे लोकतंत्र जो है सिसकती है, तुम जैसे लोगों के कारण, जिसकी अकल बस विचारधारा और अपने पार्टी के चापलूसी के अलावा और कहीं नहीं जाती, गुलामी की मानसिकता के अलावा तुम्हारा कहीं ध्यान नहीं हो सकता। वो पत्रकार नहीं थे, वो दंगे भड़का रहे थे, और दंगे कैसे पत्रकार भड़काते हैं ये तो मैंने 13 में जो किताब लिखी है, साजिश की कहानी, तथ्यों की जुबानी, उसमें लिख दिया है कि पत्रकार कैसे दंगे, उन पत्रकारों के साथ थोड़ी खड़ा रहूंगा मैं, उनके साथ थोड़ी खड़ा रहूंगा, वहां दंगे भड़काने के वहां टेप रिकॉर्डर बाहर आ रहे हैं, और तुम उनको पत्रकार करते हो। भैया तुम अपने घर की रिपोर्टिंग उसी पत्रकार से कराना, बड़ा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। बात करते हैं, ये पत्रकारिता सिखाएंगे, जीवन में पत्रकारिता शब्द लिखने के अलावा कुछ जानत पत्रकारिता के बारे में और जानते होंगे नहीं, पत्रकारिता सिखाने है। कौन पत्रकार है वो 2 BHK जो लेती है, वो पत्रकार है क्या? वो विनोद दुआ पत्रकार है जिसने पूरे UPA कार्यकाल में घोटाले कवर ना करना पड़े, इसलिए मैं भारत के लिए खाता हूं, तोंद फुलाता हूं, वो पत्रकारिता थी क्या? वो रवीश कुमार ने कभी आज तक रिपोर्टिंग की है क्या कभी जिंदगी में? पत्रकारिता बताओगे मुझे? ऐसे लोग हैं जो, और ऐसे लोगों के कारण आज अगर पत्रकार 2 नंबर के धंधे में कहीं लिप्त हैं, ऐसे लोगों के कारण, ऐसे ही लोग हु किए रहते हैं। मैं तो देखा हूं ना रविश कुमार के वॉल पे कई लोग जो हैं हरे हरे वाले चिट्ठे उसको खुदा बनाए बैठे हैं। श्रीचंद जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। भाजपा के व्यवहार से तो हर कोई दुखी है, और ये आज की बात नहीं है, उनके अंदर का कुंठा बोध शुरू से है, क्योंकि उनका सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो 2 कदम आगे और 3 कदम पीछे वाला है, 91 हो जाता है। आज वो 91 नहीं होता तो राम मंदिर नहीं बनता, पर उस 91 को कलंक कह दिया भाजपा ने, तो ये बात होती है। उसी में कल्याण सिंह ने कहा हाँ कराया, तो कल्याण सिंह का पॉलिटिकल कैरियर ही बर्बाद कर दिया। तो बहुत हिम्मत अंदर से आता है जो है, हौसला अंदर से आता है, वो ज्ञान से आता है, वो शासन तंत्र की बारीकियों को समझने से आता है, वो ऐसे नहीं आता हवा हवाई, हवा हवाई नहीं आता, उसके लिए बहुत आपको कठिन तपस्या से गुजरना पड़ता है, या कठिन लोमड़ीपन होना चाहिए उसके लिए, दोनों ही होना चाहिए, टेढ़पन भी और लोमड़ीपन, तब जाके आप कर पाओ। ये अभी अभी बहुत सत्ता उत्ता चलाना भी सीख रहे हैं, कोई बात नहीं निशांत जी, मार्ग आगे यही है कि सच बोलते रहिए, बंद मत कीजिए, शासन तंत्र यही चाहता है कि आप सच न बोले, न्याय तंत्र यही चाहता है कि आप सच न बोले। आप अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इतना ही साफ है और हाई कोर्ट इतना ही साफ है, जब संसद की कार्रवाई का लाइव प्रसारण होता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का लाइव प्रसारण क्यों नहीं होता? क्या छुपाना चाहते हैं आप? क्यों छुपाना चाहते हैं? लाइव प्रसारण करवाइए, जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है जनता देखे तो सही भाई, जनता के टैक्स से मिलोड़ आपको सैलरी जा रही है, हमने टैक्स भरा है तो आपको सैलरी मिलती है, हमें दिखाइए प्रसारण कार्रवाई का, हम न्यायपालिका में पारदर्शिता चाहते हैं, हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं न्यायाधीश किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं देखना, आप लाइव प्रसारण क्यों नहीं कराते? आप राज्यसभा लोकसभा से बड़े नहीं है, राज्यसभा लोकसभा कानून को कानून बनाने का अधिकार है, आपको कानून के संरक्षण का अधिकार है, बनाने का अधिकार नहीं है, आपसे बड़ा है विधायिका, उसका लाइव प्रसारण हो सकता है, आपका क्यों नहीं हो सकता मिलोर? इसलिए आप सब, हाँ निधि जी, कोई न्यूज चैनल नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि न्यूज चैनल भी उस साजिश के हिस्सेदार हैं, उस साजिश में सारे न्यूज चैनल शामिल हैं, TRP केस में के अर्नब को फंसाने में सारे बड़े न्यूज चैनल शामिल है, सरकार महाराष्ट्र की सरकार के साथ मिलकर शामिल है, क्योंकि
सब एक सुर में बोल रहे हैं, अर्णब उनसे अलग सुर में बोल रहा है, इसलिए वो लोग अर्णब को मारना चाहते हैं। सिंपल सी थ्योरी है, रजत हो या फिर प्रणव हो या फिर सुभाष चंद्र हो, कोई नहीं चाहता कि कोई एक अलग सुर में बात करे, झुंड बनाकर रहना चाहते। दिवांशु दास जी बहुत धन्यवाद, कह रहे हैं वास्तव में देश अभी भी परतंत्र है, किसी ने सही कहा, देश में हमारा कुछ भी नहीं, न संविधान न रक्षातंत्र न न्याय व्यवस्था, तो बिल्कुल नहीं, न्यायपालिका स्वयं हिंदुओं की, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम परतंत्र ही हैं, गुलाम मानसिकता हमारे ऊपर थोपा गया है, वही व्यवस्था वही सड़ी गली व्यवस्था, यहां से काटा वहां से पीटा, सब मिला के संविधान बना लिया, वही सब बना के न्यायतंत्र, वही अंग्रेज बैठते थे भारत को, भारतीय लोगों को जो सजा सुनाते थे वही आईपीसी वही सीआरपीसी, आज हमें सजा सुनाई जाती है, काले अंग्रेज बैठे, बस इतना ही। क्या माननीय जय श्रीमान शिंदे साहब महाराष्ट्र के मराठी में, बिल्कुल है जी, शिंदे साहब ने उस मुंबई पुलिस को दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिस कहा, जिसके साये में दाव से लेकर छोटा राजन तक बड़ा। शिंदे साहब जज साहब की टिप्पणी यही है कि मुंबई पुलिस स्कॉटलैंड पुलिस जैसी कुछ बहुत बड़ी पुलिस है, वही मुंबई जहां 93 होते हैं, वही पुलिस के साय में 26/11 होते हैं, और वही पुलिस जिसके साय में पूरा अंडरवर्ल्ड पनपता है, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिस होती है श्रीमान शिंदे साहब माननीय न्यायाधीश के अनुसार। अब मैं इसको समाप्त करता हूं, वरना बोलता ही चला जाऊंगा मैं। अंकित जी राह तो खुद देखना पड़ता है, खुद निकालना पड़ता है, आप किसी के भरोसे रहोगे तो राह अंधेरा दिखेगा, किसी के भरोसे मत रहो, मुझे मैं तो किसी के भरोसे नहीं हूं, मैं सबके सब सबकी अच्छाइयों पे भी बोलता हूँ, सबकी बुराइयों पे भी बोलता हूँ, साफ देखता हूँ साफ बोलता हूँ, कानून के दायरे में बोलता हूँ, किसी पे कोई ऐसा मानहानि तो नहीं करता। जिसको लगता होगा मानहानि, भैया तुम्हारे पास मान होगी तो हानि होगी, सीधी बात है। सदानंद शर्मा जी, दीपक चौरसिया सिर्फ ट्विटर पर ही अर्णब गोस्वामी की तरफ से बोलता है, न्यूज में कुछ नहीं दिखाता, क्योंकि न्यूज उसके मालिक चैनल चलाता है। यही तो मैं बार बार कहता हूं कि सब्सक्रिप्शन भरा करो, पत्रकारिता को स्वतंत्र बनाना है तो, वरना कोई लाला, इसीलिए वो जब स्वतंत्र है ट्विटर पे तो बोलता है, चैनल जो है आपको लगता है वो एडिटर है, अरे वो किसी का सैलरी होल्डर, ये बात है। बहुत सारी चीजें हैं, क्या करोगे, जाने दो आप। हाँ मुकेश जी, धमकाते हैं न्यायालय में, सही बोले हो, बोलने ही नहीं देते हैं, धमकाते हैं, पता नहीं कौन सा न्यायपाल तंत्र बनाया गया है। निशान जी, रणनीति यही है कि सच बोल, वो किसी के भी खिलाफ जाए सच बोल, यही रणनीति, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, मेरी बला से। प्रकाश जी बहुत धन्यवाद, प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं इसको समाप्त करता हूं।